हमीरपुर के नदौन और बरसर में हुई कांग्रेस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर जुबानी हमला बोला। सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि बीजेपी नेता नहीं चाहते कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बने, इसलिए जमीन को लेकर विवाद गरमाता रहा है। सुक्खू ने आरोप लगाया कि दो बार धूमल सीएम रहे लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर बेतुकी बयानबाजी समझ से परे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता के हित से जुड़े हुए मेडिकल कॉलेज को लेकर पूर्व सीएम धूमल के बयान समझ से परे हैं, जिसमें धूमल कहते हैं कि क्या जरूरत है मेडिकल कॉलेज की। सुक्खू ने कहा कि जिला हमीरपुर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं, लेकिन बीजेपी ने हमेशा भेदभाव की राजनीति की है। वो परिवार का व्यक्ति खुश होता है। किसी गांव में स्कूल खुल जाए, सड़क बन जाए, उस पंचायत के लोग, उस गांव के लोग खुश होते हैं। समाज के लोग किस बात से खुश होते हैं? समाज के लोग आज सबसे ज्यादा चिंतित किस बात से होते हैं? वो उनके हेल्थ को लेकर है। और मुझे फख्र है, मैं एमएलए नहीं था, गुलाम नबी आजाद जी इस प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश में दो पिछड़े जिलों को मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर करके दे। मैं टांडा में इंतजार कर रहा था, मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर ले लिया, मैंने उन्हें फोन किया तो फोन ही ना मेरा कोई उठाए। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी की बात है। मैंने आज के जो स्वास्थ्य मंत्री गौरव सिंह ठाकुर जी को फोन किया, वो भी मेरा फोन ना उठाए। अब वो सुंदरनगर से हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले थे। मैंने दिमाग लगाया कि मैं ग्वालियर से सुंदरनगर नहीं पहुंच सकता, तो मैंने एमएलए को फोन कर दिया। कहते अभी बाथरूम में गए हैं और अभी बाथरूम से निकलते मैं बात करवाता हूं। और ये देखिए मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई। मैंने कहा गुलाम नबी आजाद साहब, आपका व्यक्तित्व बहुत महान है। मेरे आपने दो बड़े हॉस्पिटल जो टांडा और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की तरह थे वो आपने घोषित किए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा ये पिछड़े जिलों के लिए है, हमीरपुर को नहीं मिल सकता। मैं रात को उसके एक हफ्ते बाद मैं रात को उनको दिल्ली मिलने गया। कई लोग नहीं चाहते थे कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुले। 2:30 बजे मेरी उनसे मुलाकात होती है, रात को 2:30 बजे। मुझे क्या जरूरत थी 2:30 बजे रुकने की।